लेट्स लर्न एवरीथिंग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी कोई भी मैथ की इक्वेशन किसी भी पीडीएफ से हम किस तरह कॉपी करके एक वर्ड के फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाके टाइप करेंगे मैथ पिक्स। जैसे आप मैथ पिक्स करेंगे, आपको जो सबसे ऊपर टॉप की सर्च आ रही होगी, आपने इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने सबसे पहले आप इस पर अकाउंट नहीं बना होगा, आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप इस पे अपना अकाउंट बना लें। जैसे ही आप इस पे अपना अकाउंट बनाएंगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मेरा बना हुआ है इसलिए ये मुझे ऐसे शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हमने ना सबसे पहले हम या तो इसको मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं या डेस्कटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर डाउनलोड करते हैं ना, तब आपको सिर्फ मिलते हैं 10 फ्री, ठीक है, 10 सर्चें फ्री मिलती है। मगर अगर आप इसको गो टू स्निप वेब पे जाएंगे ना, ये जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जाके करना जी गो टू स्निप वेब। जैसे आप इस पे जाके क्लिक करेंगे ना, ये कुछ टाइम लेगा। कुछ टाइम लेने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह का ना इंटरफेस ओपन कर देगा। अब हमने क्या करना, अब हमने वो कह रहा जी पीडीएफ, हमने कहा जी पीडीएफ नहीं, हमने ना कोई फोटो से करना है। हम क्या करते हैं, हम ऑल स्निप पे इस तरह यहाँ पे आते हैं जी। यहाँ पे हम ये देखें, मैंने ये पहली फाइल सेलेक्ट की, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं जाता हूँ जी अपलोड, अपलोड में जाके जी ये डेस्कटॉप पे ये कोई फाइल पड़ी हुई है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ना ये ओपन हो रही है, ठीक है, आपने इसको अलाउ करना है, अलाउ कर दे, नहीं करना ना करे, छोड़ दे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इसको ब्लॉक कर दे, ब्लॉक नहीं हो रहा, चलो अलाउ कर दे, जो भी करना है। अब उसके बाद क्या करना है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। आप नीचे देखेंगे ना, तो नीचे आ रहा होगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ना ML का कोड होगा, ये वाला मैथ ML MS डिजाइन, आपने इस पे क्लिक करना है। और इस ये देखें, ये आपका कोड हो गया कॉपी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ना जाना है गो टू, आपने वर्ड ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। और उसमें जाके हम इसको पेस्ट करके देखेंगे कि क्या हमारी इक्वेशन ठीक आ भी रही है कि नहीं आ रही। अब मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, इसको पेस्ट करने के लिए ना आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन इक्वेशन का पोर्शन लाना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके ये इक्वेशन पड़ा, इक्वेशन पे क्लिक किया, इक्वेशन सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके अंदर क्लिक करके ना Ctrl V कर देना है। जैसे ही Ctrl V करेंगे और ले बूम, ये आपकी इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब देखें, ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह आप जितने ज्यादा चाहे उतने ज्यादा कर सकते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, हम इसमें एक सीन ये है कि मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप छोटे छोटे ना पैचेस को ही स्कैन करें। अगर आप ज्यादा बड़े पैच को स्कैन करेंगे तो वो कुछ पोर्शन ऐसा होगा वो उसको स्कैन नहीं कर पाएगा, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि उसमें चार चार इक्वेशन हो, तीन तीन इक्वेशन हो, आपने उसको स्कैन करना है और वो आपका ना स्कैन कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।